ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपने किसी भी टेक्स्ट को या फिर अपने नाम को इस तरह का जो फायर इफेक्ट है या फिर न्यून इफेक्ट है वो आप कैसे बना सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। तो इस तरह का एडिटिंग कैसे करना है जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चले फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए आपको एक प्लगइन्स डाउनलोड करना होगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है, तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर साइबर प्लगइन्स डाउनलोड। तो उसके बाद आपको वीडियो कोपायलट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे आप उस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेते हो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप जो भी नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जिस भी साइज में आप वीडियो बनाना चाहते हो उस साइज को आप यहाँ पर एंटर कर लेना। तो यहाँ पर हमने 1920x1080 रख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जितना लेंथ वीडियो का रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 10 सेकंड सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लैक कलर ले लेना। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर लीजिए। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर लाके यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को आप इफेक्ट देना चाहते हो उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए न्यून लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैरेक्टर का, तो आप इस पर क्लिक करके तो आप यहाँ से जो है आपका इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें इसको जो है सेंटर में ला के रखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो अलाइन का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैरेक्टर वाले ऑप्शन को ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर अलाइन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप इसको सेंटर में सेट कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको जो है सेंटर में रख देता हूँ बिल्कुल। उसके बाद अभी आपको इसको बैक करना है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सॉलिड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सीधा ओके कर लेना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक लेयर ऐड हो जाएगी। उसके बाद अभी आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है साइबर। तो अगर आपने ये जो प्लगइन है इसको अगर आप इंस्टॉल किए होंगे तो आपको यहाँ पर ये जो इफेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसको आप जैसे सर्च कर लेते हो उसके बाद आप इसको ड्रैग करके जो ब्लैक लेयर है उसके ऊपर आप रख देना इस तरह से। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर ये जो लेयर है जो ऊपर वाली जो ब्लैक लेयर है इसको आपको ड्रैग करके सबसे नीचे में रख देना इस तरह से। और उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट लेयर है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑटो ट्रेस है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो दूसरी वाली जो लेयर है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप डिलीट कर लेना। तो डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो छोटा सा एरो है यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, तो ये रहा। तो ये जो एरो है पहली वाली लेयर का, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो मास्क है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो ब्लैक लेयर है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है ये जो ब्लैक लेयर है इसको आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप इसको लाके पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो ऊपर वाली जो लेयर है ये वाले, तो इसको सिलेक्ट करके आप इसको भी डिलीट कर लेना। तो इसको डिलीट करने के बाद अभी आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको मिल जाएगा कस्टमाइज कोर का ऑप्शन। तो इस पर आप क्लिक कर लेना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो साइबर लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर लेयर मास्क सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर सेटिंग कैसे करनी है आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर ये जो रेंडर सेटिंग है इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर छोटा एरो है इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आपको जाना है सबसे लास्ट में और यहाँ पर आपको जो कंपोजिशन सेटिंग है इसके ऊपर आपको जो ब्लैक ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर लेना और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में जाना है। ऊपर में आने के बाद आप यहाँ पर यहाँ से जो है ग्लो का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिस भी कलर का आप ग्लोइंग इफेक्ट चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया तो यहाँ पर रेड कलर का हो गया। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर इसका जो ग्लोइंग इंटेंसिटी है इसको अगर आप कम करोगे तो आप अपने हिसाब से जैसा जितना मतलब आप ग्लो चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है यानी कि जो ड्राइंग वाला जो इफेक्ट है मतलब हिलने वाला जो इफेक्ट है वो हम कैसे देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे नीचे में मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो मास्क एवोल्यूशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको जो की फ्रेम है इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा ये रहा।
तो इसको आप ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जाना है अपने टाइमलाइन पर। टाइमलाइन पर आने के बाद आप इसको, ये जो प्ले हेड है इसको आपको सबसे लास्ट में लेके जाना है। लास्ट में लेके जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आना है और यहाँ पर आपको जो जीरो लिखा है मास्क एवोल्यूशन पर, तो इस पर क्लिक करके आप इसको 2 पर या फिर 1 पर रख देना। तो अगर आप इसको ज़्यादा रखोगे तो ये स्पीड ज़्यादा देगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्ट साइज है, ये जो दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको, तो इसको आपको 50 पर या फिर आप चाहे तो इसको 0 पर भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 0 पर ही रख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो एंड साइज है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो इसका जो सेटिंग है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख सकते हो 150 या फिर आप 200 भी रख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है इसको प्ले करके देखना है। आप चाहे तो इसमें और भी एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो है ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा नियॉन इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही आराम से बन गया है। तो इस तरह से आप नियॉन इफेक्ट बना सकते हो। और अभी हम देखते हैं कि आप इसमें फायर इफेक्ट कैसे बना सकते हो। तो फायर इफेक्ट ही नहीं, आपको इसमें बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ये रहा, तो इसको, इसके सामने आपको सिलेक्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मैं फायर इफेक्ट पे दिखाऊँ तो ये रहा फायर इफेक्ट, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को नियॉन इफेक्ट या फिर फायर इफेक्ट दे सकते हो। तो उसके बाद अभी आपको इसको सेव कैसे करना है, तो सेव करना आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, कंट्रोल प्लस M दबाना है कीबोर्ड में, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर आउटपुट मॉड्यूल जो है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लॉसलेस का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट में आना है और यहाँ पर आपको MP4 सिलेक्ट करना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना, उसके बाद ओके कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको जाना है आउटपुट टू, ये जो ऑप्शन है Comp1, यानी कि आपने जो भी अपने कंपोजिशन को नेम दिया होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। और उसके बाद अभी आपको जिस भी फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके आप सेव पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर रेंडर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, तो आपका जो वीडियो है वो आपको सेव होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो जो हमारा सेव हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को इस तरह का फायर इफेक्ट या फिर नियॉन इफेक्ट या फिर बहुत सारे इसमें जो भी इफेक्ट है वो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।